जैसा कि आप जानते हैं वायरसेस सेलुलर एंडोपैरासाइट है तथा ये ओबिगेट पैरासाइट है, अर्थात अविकल्पी परजीवी है। कोशिका और सजीवों से बाहर इनमें जीवन संभव नहीं है। आज अपन वायरसेस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हुए जीवाणुभोजी की संरचना को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वायरस कोशिका के बाहर सदैव निर्जीव अवस्था में होते हैं, तो कोशिकाओं के आधार पर वायरसेस को अपन पांच वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। प्लांट वायरसेस, वह वायरस जो पादपों को संक्रमित करते हैं जैसे TMB, एनिमल वायरस जो एनिमल्स को संक्रमित करते हैं जैसे पशुओं में पाया जाने वाला खुरपका और मुंहपका रोग है, ह्यूमन वायरसेस जैसे अभी कोरोना वायरस है तथा येलो फीवर वायरस है, महत्वपूर्ण है ह्यूमन्स में पाए जाने वाले, एक ईस्ट में पाए जाने वाले, क्योंकि ईस्ट में पाए जाने वाले वायरसेस को जाइगोफेजेस कहते हैं, वो एक कवक है, और जो पांचवी प्रकार के वायरसेस हैं जिन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक वायरसेस, अर्थात इस तरह के जो विषाणु हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स कौन कौन से हैं? जैसे साइनोफाइसी के मेंबर हैं जिन्हें प्यूपरिन एल्गी कहते हैं, उनमें पाए जाने वाले वायरसेस को कहते हैं साइनोफेजेस। जीवाणुओं में पाए जाने वाले वायरसेस को कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस, और एक्टिनोमाइसिटीज में पाए जाने वायरसेस को कहते हैं एक्टिनोफेजेस। आज हम यहां पे बैक्टीरियोफेजेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बैक्टीरियोफेजेस की जो खोज है वो FW Plott ने की थी 1915 में, तथा उन्होंने ये पाया कि बैक्टीरिया के अंदर जब लाइसिस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको बैक्टीरिया से छनित करने के बाद में भी जो रस होता है छानने के बाद में, उसको अगर बैक्टीरिया में डाला जाता है तो वो उसी तरह की पुनरावृत्ति को दोहराते हैं, और उन्होंने उन्हें बैक्टीरियो फेज नाम दिया, यानी जीवाणु भोजी, जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। जीवाणु भोजी की जो संरचना की बात करेंगे तो जीवाणु भोजियों को अपन यहां पर टी फेजेस भी कहते हैं, टी यानी टाइप फेजेस, और टाइप फेजेस जो वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है TE1 यानी टी सम प्रकार के विषाणु, दूसरे होते हैं टी ओड प्रकार के विषाणु, विषम प्रकार के विषाणु, और तीसरे होते हैं T5 फेजेस, यानी TE1 में T2, 4, 6, टी ओड में T1, 3, 7 और T5 में T5 प्रकार के जो विषाणु है वो होते हैं, और दूसरे प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं वायरुलेंट एंड टेम्परेट। वायरुलेंट को अपन लाइटिक कहते हैं। इस तरह के विषाणुओं से अगर जीवाणु संक्रमित होते हैं तो वो जीवाणुओं का लाइसिस कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं अपने मल्टीप्लीकेशन के लिए, और टेम्परेट जो फेजेज है उन्हें अवायरुलेंट फेज भी कहते हैं। तो आज हम इन टी फेजेज की और जीवाणु भोजियों की संरचना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि चित्र में बताया गया है कि इसके दो भाग होते हैं, एक जो हेक्सागोनल संरचना है जिसे अपन हेड कहते हैं, और हेड के नीचे जो दूसरी संरचना है वो टेल कहलाती है, और ये टेंटपोल के समान संरचना होती है। हेड का जो डायमीटर है वो 650 एंगस्ट्रॉम होता है, और हेड और टेल की जो लंबाई है अलग अलग करें तो ये 950 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। लेकिन इस वायरस के टेल है उसमें दो तीन रीजन पाए जाते हैं, एक कॉलर जहां से टेल और हेड जुड़ा रहता है वहां पे जो संरचना पाई जाती है कॉलर कहलाती है, और कॉलर के अंदर एक कोर होती है जो होलो होती है तथा उसमें लाइसोजाइम भरे रहते हैं, और कोर के चारों तरफ जो शीथ होती है वो प्रोटीन सब यूनिट्स की बनी होती है, और इनमें लगभग 200 प्रोटीन सब यूनिट्स पाई जाती है, और इसका आधारी भाग है जिसे अपन एंड प्लेट कहते हैं। यह भी एक हेक्सागोनल संरचना है, षटकोणीय संरचना है। इस एंड प्लेट पे स्पाइक्स लगे रहते हैं, और स्पाइक्स की संख्या 6 होती है, और यहीं पे जो टेल फाइबर है वो पाए जाते हैं जिनकी लंबाई
1500 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। अब समझना यह है कि जो हेड वाला रीजन है उसमें प्रोटीन कोट तथा अंदर डीएनए भरा रहता है, कोर खोखली होती है, और ये जो शीत है उसमें 200 के लगभग प्रोटीन इकाइयां पाई जाती है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, अर्थात ये संकुचित होती है, इंजेक्शन की तरह काम करती है। जब ये बैक्टीरियोफेज किसी पोषक जीवाणु पे जाके बैठता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो हेड रीजन में जो डीएनए है उसको पेनिट्रेट कराने में सहायक होती है। स्पाइक्स के द्वारा ये अपना स्थान फिक्स करता है और वो इसमें जो डीएनए होता है वो पोषक की कोशिका में प्रविष्ट करा देते हैं। ये जो बैक्टीरियोफेज है उसकी संरचना स्पष्ट होती है इस चित्र के माध्यम से। तो आज इस व्याख्यान में हम बैक्टीरियोफेज की संरचना कैसी है, कितने तरह के होते हैं, इनके बारे में जानना, और बैक्टीरियोफेजेस का जो मुख्य रोल है वो पोल्यूटेड वाटर को साफ करने में भी है, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेजेस या पोल्यूटेड वाटर में जितने भी जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को लाइटिक फेज में ले जाके मारने में सहायक होते हैं। तो ये ऐसे विषाणु हैं जो प्रत्येक जीवाणु में पाए जाते हैं। तो इनका उपयोग नदियों की सफाई में भी किया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उनको जीवाणुओं से संक्रमित करा के किया, नदियों की स्वच्छता में, पोल्यूशन कंट्रोल में भी किया जाता है। इसलिए ये मानव के लाभदायक भी है मानव के लिए, और इनके कोई उपयोग है हानिकारक भी हो सकते हैं, अर्थात ये मानव जाति के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जीव है जो कोशिका से बाहर निर्जीव के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं और कोशिका में ही ये सजीव के लक्षण प्रकट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे अपन इन बैक्टीरियोफेजेस का मल्टीप्लीकेशन किन किन विधियों के द्वारा होता है ये आगे के व्याख्यान में जानने का प्रयास करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।